तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैंने विज़िट किया है अंश अग्रवाल बैट्समैन, अगर आपको याद हो तो आज मैंने उनकी एकेडमी में विज़िट किया और ये शायद से अंश अग्रवाल ने पैड किए हुए हैं और साथ में है अंश के कशिश। अंश कहाँ खोए हो भाई, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, कैसे हो? और ये कशिश, मिस्टर कशिश। कशिश कैसे हो? बढ़िया। प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रही है, बस लॉकडाउन ने तो प्रैक्टिस बिल्कुल रोक ही दिया था। तो अभी आपका नंबर आएगा या कर चुके हो? इनके बाद हमारी है। उसके बाद मतलब बिल्कुल सही समय पर एंट्री किया मैंने। चलो आप एक काम करो, पहले आप अपना प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे। अंश, ऑडियंस आपको बहुत मिस कर रहा है, क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? मैंने भी क्रिकेट का बहुत मिस किया, होप सो अब जल्दी मैचेस में। मैं अभी उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी क्रिकेट खेलो और अच्छी अच्छी इनिंग्स आपके बैट से निकले। शॉट आ जाएगा इसमें, ये चपाटा मारा बहुत बढ़िया। गुड शॉट यार। ओए ओए, हेलो, भूखा बॉल का सामने मार देना उसको, क्यों तू इतना परेशान हो रहा है? यार तू पहले क्यों बैठ, उसको पैर दिखा के बैठ रहा है, उसको आने तो दे, पहले उसको पैर दिखा के बैठ गया। बोल बोल दूसरा सक्षम, रेगुलर सिक्स बॉल डालेगा तू, उसको टारगेट दे दो। आज सिक्स बॉल 12 रन खाली तेरे पे। सर एक मिनट रुक जा। गाइस अंश को 6 बॉल पे 12 रन का टारगेट दिया गया। वन रन बाउंड्री, 4 बॉल 7 रन टू विन। अंश को 5 गेंदों पे जीत के लिए बनाने हैं 11 रन। बाउंड्री 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 गया। सीधा गया बिल्कुल। हो जाए हिशम, हो जाएगा 3-3। हो गया भाई, बहस की बात ही नहीं है इसमें। एक रन एक रन टू बॉल टू रन करके बना ले। बाउंड्री यू विन, वेल प्लेड। ऐसे नहीं चलेगा, चीटिंग करा रहे यार बच्चे को। तो गाइस इनका प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हो गया, शायद से अभी आपने वीडियो भी देखा होगा। तो आज हम अंश और कशिश के साथ में थोड़ा सा एक कॉन्वर्सेशन करेंगे। आओ कशिश, आपके पहले सर से भी मुलाकात कर लें। ओके सर। धर्मेश पाजी कैसे हो सर? सर बढ़िया, बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है सर। ये कोरोना ने तो बच्चों को खेलने नहीं दिया।
बीच में 2-3 महीने बहुत खराब गए, उसके बाद तो क्रिकेट स्टार्ट हुआ। हाँ, तो बच्चों को बड़ा टफ हुआ, बट अब बच्चे लाइन पे आ चुके हैं। करीब करीब हम भी 2 महीने के बाद मिल रहे हैं शायद। बिल्कुल श्योर दी, 2 या 3 महीने के बाद मिल रहे हैं हम लोग। अंश आप इधर आओ ना, कशिश इधर। मैंने कहा कुछ अंश को ऑडियंस मिस कर रहा है, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया अंश का बैटिंग क्यों नहीं आ रहा है, तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली ये रिप्लाई करना पड़ता है कि लॉकडाउन की जो सेकंड वेव अभी गई है उससे जो पेरेंट्स लोग हैं सदमे से बाहर नहीं आए, तो क्योंकि यू नो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो पेरेंट्स लोगों ने बहुत टाइम के बाद अब बच्चों को अलाउ किया, तो अंश की एज अभी बिलो 18 है, तो इसलिए अभी पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हुए हैं तो अब कंस अपना प्रैक्टिस कर रहा है और जल्दी कम बैक करेगा। और कशिश का भी यही रीज़न है कि कोरोना की वजह से अभी बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब प्रैक्टिस चालू हो गई रेगुलर। तो सर बच्चे घर से बाहर नहीं निकले थे उनके पेरेंट्स ने। अच्छा सर, ये बताइए ना कि ये दोनों स्टूडेंट्स आपके पास कितने समय से हैं? और मैक्सिमम मेरे दोनों स्टूडेंट्स मेरे पास 4 ईयर से हैं। अच्छा सर, हमारी ऑडियंस को ये भी बताइए कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये अकेडमी कहाँ पर है, कौन इसको रन करता है, अगर उनसे कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसा किया जाए, तो सर ये अकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि अकेडमी कहाँ लोकेटेड है। प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे है। ठीक है, तो गाइज अंदर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय है। ठीक है, तो गाइज इस अकेडमी का जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस अकेडमी में कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो या आने का इच्छुक हो तो क्या आप फीस रिवील कर पाएंगे हमारे व्यूवर्स को कि कितना फीस है इस अकेडमी का? इस अकेडमी सर फीस है 1500 रुपीज़। मंडे टू सैटरडे प्रैक्टिस होती है, संडे ऑफ होता है। ठीक है सर, और संडे भी अकेडमी खुलती है बट वो पर्सनल ट्रेनिंग वालों के लिए। जी, और सर यहाँ पे स्टूडेंट्स एवरेज कितना रहता है? हमारा स्टूडेंट एवरेज है 32 से 35 के बीच में। और तो सर हम आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अपने जो फेवरेट बैट्समैन है अंश एंड कशिश, इनके लिए होगा। दोस्त लोगों ये बताओ कि अब अच्छी इनिंग कब मिलेगी मेरे चैनल को, कौन बताएगा? पहले कशिश। जैसे सर नेक्स्ट मैच होगा तो आपको ज़रूर अच्छी इनिंग मिलेगी। अंश पूरी कोशिश है अगले मैच से ही, होप सो आप जल्दी स्टार्ट करोगे मैच। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू भैया। शॉट है सामने गिरा है। सॉरी भाई तो बोलना ही पड़ा था, बस बोलोगे तो शॉट वो शॉट है भैया।